लॉकडाउन है, जगह जगह चीजें बंद हैं, तो वहीं कानपुर देहात में हमारे संवाददाता मोहित कश्यप ने लॉकडाउन का पूरा जायजा लिया। कि प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया था, उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन चल रहा था, आज चौथा दिन लॉकडाउन का। इसके देखते हुए कल के न्यूज ने एक खबर चलाई थी, जो रोजमर्रा वाले रोज अपने मेहनत से कमाई करके रोज खाते थे, भूख की कगार पर थे ये लोग, लेकिन खबर चलने के बाद में जिला प्रशासन ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और इन लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लोग जो जिला प्रशासन की तरफ से खाना दिया गया है उसी से ये लोग रोटी बना रहे, आटा और इनको दाल दी गई है। आप इनसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी मदद हुई है? आप देखो भाई, हम देखो रोड के किनारे पड़े हैं, तो भूखन के मारे मरे रहे जा रहे, हमारे लड़के बच्चे हम भी, और आज जो राशन मिला है तो वही हम अभी रोटी का खाना ये बना रहे हैं। चाहे इसका क्या मिला है आपको? दाल मिली है मसूर की, और तेल मिला है 2 cc 100 ग्राम की, और तेल मिर्च मसाला मिला, यही मिला सबको, जरा 5 5 किलो आटा मिला है। क्या क्या कहना चाहिए प्रशासन को? क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि कहाँ लगे मरेंगे इसे भूखन। तो आप लोगों को अच्छा इंतजाम हुआ है? अच्छा इंतजाम, अब कितने दिन के लिए होया है? एक दिन के लिए हुआ है, कल के लिए हुआ। वही तो कह रहे, तो आप यही से प्रशासन का क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहने चाह रहे हैं कि अब ये समझो कहाँ लग मुन लोग बर्दाश्त करेंगे, अब ये समझ रहे हैं कि कितने दिन लगे लगेगा कर्फ्यू। अच्छा, तो आप लोग प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहती हैं? धन्यवाद तो कहना चाहते हैं, तो पन ऐसे है कि कोई कपड़े लगते, कोई बेचारा फटा पुराना पहन रहा, कोई कैसे पहन रहा, कैसे भी बसर कर रहा है, तो हमारा रोज का धंधा है तो हम कहाँ लगे इसे मर जाएंगे, लड़के बच्चे जितना परिवार है, तो 5 5 किलो आटा ले क्या होएगा। तो ये जो लोग हैं इनका दर्द बहुत है, लेकिन दर्द के बाद में जिला प्रशासन ने कुछ तो मरहम लगाया है इनको लिए, आज कुछ खाने पीने का इंतजाम कराया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से डेली कहा जा रहा है कि रोजमर्रा के लिए इन लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। मोहित कश्यप, के न्यूज, कानपुर देहात।